थॉर लव एंड थंडर बेस्ट मूवी है। इसका जो आपको हॉरर, थ्रिलर, कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा इस कहानी में अगर हम देखें तो थॉर की प्रेमिका जेन, जो एक वुमेन थॉर के अवतार में दिख रही है आपको। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे कि एक डीमंस, जो राक्षसी प्रवृत्तियां होती हैं, उस शक्तियों से लैस होता है, वो सारे देवताओं के खिलाफ जंग छेड़ देता है, क्योंकि देवताओं ने उसकी बच्ची जब मर रही थी तो एक भी उसकी गुहार सुनी नहीं थी। इसके खिलाफ वो युद्ध छेड़ता है, और बहुत अच्छे ढंग से इसको दिखाया गया है। ये फुल इंटरटेनिंग है, कॉमेडी भी भरपूर है। इसमें थॉर आपको बहुत मजा देने वाले हैं। सब प्लीज इस मूवी को ना छोड़ें, देखें जरूर लव एंड थंडर। शार्क बेट 2022 में एक बेहतरीन मूवी है, जिसमें आपको दिखाया गया है कि ह्यूमन और शार्क के बीच कैसे कन्फ्लिक्ट होता है। इसमें अगर स्टोरी की बात करें तो कुछ दोस्त होते हैं जो पार्टी इंजॉय करते थे बीच लेक साइड पे। उसके बाद जो है ये लोग अपने ग्रुप के साथ बोट ड्राइविंग करते हैं। बोट ड्राइविंग के दौरान ये होता है कि दो बोटों में आपस में टकराव हो जाता है, जिससे कुछ लोग पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद जो है शार्क और इनके बीच जो है कन्फ्लिक्ट पैदा होता है, और शार्क धीरे धीरे इन सबको अपना शिकार बनाता है। इस मूवी में हॉरर, इसके अलावा सर्वाइवल टाइप का मूवी है, जो देखने में काफी पसंद आएगा। जरूर इसको देखें कि कैसे ये लोग सर्वाइव कर पाते हैं। हिट द फर्स्ट किस, यह तेलुगु फिल्म हिट का हिंदी वर्जन है। इसके लीड रोल में है राजकुमार राव और सान्या मल्होत्रा। ठीक है, इसमें जो है हिट का जो मतलब है होमिसाइड इन्वेस्टिगेटिव टीम का है। इसमें एक अफसर है विक्रम, राजकुमार राव है, जो अपने अतीत से जुड़ी एक घटना को याद करते हैं, जब उनकी आंखों के सामने एक हत्या कर दिया गया था। उसकी सेहत का ख्याल रखते हुए उसके डॉक्टर और उसकी प्रेमिका नेहा सान्या मल्होत्रा, जो इसमें रोल निभा रही हैं, कुछ समय के लिए उसको ड्यूटी से छुट्टी देने की सलाह देते हैं। लेकिन वह छुट्टी पर होता है जब उसकी जानकारी मिलती है कि नेहा मिसिंग है। सिर्फ नेहा नहीं बल्कि एक और लड़की प्रीति भी बीच हाईवे से गायब हो जाती है, और वह केस को सुलझाने में लग जाता है। इन दोनों केस को सुलझाते सुलझाते विक्रम का शक कई लोगों को जाता है। जल्द ही उसे केस में समानता दिखने लगती है, लेकिन केस की कड़ी के अंत तक पहुंचने का रास्ता आसान नहीं होता है, जिसे सुलझाने के लिए विक्रम कैसे कैसे दांव पेलता है। इस फिल्म की कहानी है, सो प्लीज देखिए जरूर इसको। हेलो दोस्तों, जहाबाज मित्तू एक ऐसी मूवी है जो बायोपिक है, मिताली राज पर निर्भर है। ये इनके लाइफ और स्ट्रगल की बातें करती है, जो इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन रही हैं। तापसी पन्नू मिताली राज के लीड रोल में हैं। इसके अलावा विजय राज भी एक एक्टर के तौर पे हैं। यहाँ पे एक बेहतर कम्बिनेशन देखने को आपको मिलेगा कि किस हिसाब से स्ट्रगल करके मिताली राज ने इंडियन क्रिकेट को लीड किया, और जीवन की विभिन्न कठिनाइयों को पार करके 2017 में महिला क्रिकेट विश्व कप फाइनल में भारत का नेतृत्व किया था इन्होंने। यह कहानी महिला क्रिकेट टीम में उनके संघर्ष और साहसपूर्ण उदय को दिखाती है।